इन नगर पंचायतों में पैसा तो सरकार देगी ही, चेयरमैन और पार्षद का बोर्ड भी अच्छा बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार, तीन गति से वहां बुनियादी सुविधाएं और विकास भी देंगे। आपने देखा होगा उनोल बाजार में 4000 से अधिक गरीबों को वहां मकान मिल गए। कोई सोचता था उनोल बाजार में 4000 लोगों को नगर पंचायत बनने के बाद मकान 4000 लोगों को एक झटके में मिलेंगे? 4000 से अधिक लोगों को मकान वहां मिल गए। बाईपास बन गया, कार्यालय भवन बन गया, लोगों ने साथ दिया। जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास के बारे में सोचा तो विकास का लाभ वहां बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हुआ है। इसी विकास के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये जातिवाद की राजनीति किसी का कल्याण नहीं करने वाली है। जातिवाद की राजनीति तो आजादी के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रदेश के अंदर किया ही। क्या किया उन्होंने? क्या किसी गरीब को आवास दिया? किसी गरीब के घर में शौचालय बनाया? किसी गरीब के घर में विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन दिया? किसी गरीब को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क कनेक्शन दिया? किसी गरीब को उपचार के लिए पैसा उपलब्ध करवाया? नहीं। और युवाओं के नौकरी में सेंध लग लगाते थे, टैबलेट और स्मार्टफोन के नाम पर गरीबों का शोषण करते थे। आज तो हम 20 लाख नौजवानों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन दे चुके हैं और यह संख्या हम 2 करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं। 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए सरकार करने जा रही है। हर तबके के लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया कार्य। आज आपने देखा होगा यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी भी प्रधानमंत्री आवास प्राप्त की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई पैसा तो नहीं मांगा? कहा नहीं साहब, पैसा मेरे खाते में आ गया था। शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए सरकार दे रही है, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए सीधे मकान बनाने के लिए, 12 से 15 हजार रुपए शौचालय बनाने के लिए, 90 दिन की मजदूरी, इस सभी मिलाकर के लगभग 1.5 लाख रुपए हर एक परिवार को उपलब्ध हो ही जाते हैं। भाइयों बहनों, विकास की योजना के प्रति सरकार की सकारात्मक सोच का परिणाम है आज गोरखपुर विकास चारों ओर तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नए गोरखपुर का दर्शन आप कर रहे हैं। जिस गोरखपुर में पहले बिजली नहीं होती थी, आज चलिए आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपकी भी इच्छा होगी कि रवि किशन की तरह आप भी फिल्मों में शूटिंग करते हुए दिखाई देंगे। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर की सड़क उस लायक तो हो गई है, रामगढ़ ताल उस लायक हो ही गया है कि फिल्मों की शूटिंग हो, और वो करा रहे हैं, ढेर सारी फिल्मों का शूटिंग करवा रहे हैं। और केवल भोजपुरी ही नहीं, अब तो हिंदी के अलावा तमाम अन्य भाषाओं की भी फिल्में आकर के यहां गोरखपुर में शूटिंग हो रही है। ये चीजें दिखाती थी, ये संभावनाएं पहले भी थी, लेकिन पहले इच्छा शक्ति का अभाव था, पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली भी है। और पहले उद्योग बंद कराए जाते थे, आज जिस कैंपस में आप इस सभा कर रहे हैं ना, यही फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। आज इस फर्टिलाइजर कारखाने में आप देख रहे होंगे, यानी फुल क्षमता से भी अधिक क्षमता से फर्टिलाइजर कारखाना काम कर रहा है। भाइयों बहनों, अब फर्टिलाइजर कारखाने यहां पे नहीं है, यहां पर सैनिक स्कूल का भी निर्माण हो रहा है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए एसएसबी भी यहां पर तैनात है। उनका एक महत्वपूर्ण स्टेशन गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाना में ही है। यहां पर चिकित्सालय भी है, यहां पर तमाम अन्य सुविधाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और फर्टिलाइजर कारपोरेशन के द्वारा ही चिलवा ताल के सुंदरीकरण के साथ साथ, जैसे उधर रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हुआ है, ऐसे चिलवा ताल के सुंदरीकरण की पर्यटन विकास की योजना को आज फर्टिलाइजर कारपोरेशन उसे आगे बढ़ा रहा है, एचयूआरएल उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है।
भाइयों बहनों, विकास के लिए सोच चाहिए और उस सकारात्मक सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जो 1046 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, इसमें स्टेडियम, मिनी स्टेडियम भी है, इसमें सड़कें भी हैं, इसमें पुल भी है, इसमें फ्लाईओवर भी है, इसमें शैक्षणिक संस्थान भी है, इसमें हॉस्पिटल भी है, और यह तो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया भी। इससे बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं, कुछ शहर की हैं, कुछ बांसगांव की हैं, कुछ खजनी की हैं, कुछ पिपराइच की हैं, कुछ कैंपियरगंज की हैं, अलग 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 क्षेत्रों की अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं, हर तबके के लिए योजनाएं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे राह को आसान करता है, जीवन को आसान करता है, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में वह मदद करता है। लगातार जीवन को आसान